दोस्तों, पंबन ब्रिज एक ऐसा रेल ब्रिज है जो मेनलैंड इंडिया को रामेश्वरम आइलैंड, जो कि पंबन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इनको आपस में कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ब्रिज बना हुआ है समुन्द्र के ऊपर। इस ब्रिज के नीचे बहता है इंडियन ओशन और ये ब्रिज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 किलोमीटर लंबा है। लेकिन इस ब्रिज की खासियत यही खत्म नहीं होती। इस वीडियो में आगे हम इस ब्रिज के बारे में और जानेंगे कि इस ब्रिज में आने वाले 4 साल में ऐसा क्या खास होने वाला है जो इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ। तो देखते रहिए। दोस्तों, चेन्नई मदुरई मीटर गेज रेल रूट को 1870s में रामेश्वरम से जोड़ने का प्रस्ताव उस समय की साउथ इंडियन रेल कंपनी ने रखा था। उस समय इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी चुनौती थी इंडियन ओशन पे ब्रिज बनवाना। इस चीज पर एक सी रेल ब्रिज बनाने का डिसीजन लिया गया और 24 फरवरी 1914 को पंबन ब्रिज बनकर पैसेंजर सर्विस के लिए खोला गया। 2010 में मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक बनने के पहले तक पंबन ब्रिज भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज हुआ करता था। लगभग 105 साल पुराना हो चुका पंबन ब्रिज ज्यादातर हिस्सों में एक नॉर्मल ब्रिज है जो कंक्रीट पिलर्स पर रेस्ट करता है, पर ब्रिज का एक हिस्सा डबल लिफ्ट बास्कुले सेक्शन है जिसे समय आने पर खोला जा सकता है। इस सेक्शन को इसलिए बनाया गया था ताकि नॉर्मल से बड़े शिप्स क्रॉस हो सके। ये जब खुलता है तब ऐसा लगता है मानो दो ऑपोजिट साइड के रेल क्रॉसिंग एक साथ खुल गए हो। दोस्तों, अब तक हम लगभग 105 साल पुराने हो चुके पंबन ब्रिज की बात कर रहे हैं, पर साल 2018 के दिसंबर महीने में पंबन ब्रिज का एक बास्कुले में कुछ खराबी आने के बाद रेलवेज ने पंबन ब्रिज पर ट्रेन की आवाजाही रोक दी है और साथ ही यह ऐलान कर दिया है एकदम नए और आधुनिक पंबन ब्रिज की, जो अगले 4 साल में बनकर तैयार होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक नया पंबन ब्रिज पुराने पंबन ब्रिज के पैरेलल में बनाया जाएगा और इसमें कई आधुनिक तकनीक इंस्टॉल की जाएगी। इसका सबसे मेन अट्रैक्शन ये है अब तक का कि पुराने पंबन ब्रिज को जहां बैस्कुले लगे थे वही इस ब्रिज में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ब्रिज का कुछ पोर्शन वर्टिकली हवा में उड़ सकेगा। ये भारत का पहला ऐसा काम करने वाला ब्रिज होगा। पुराने पंबन ब्रिज का बास्कुले हाथ से चार्जर रोलिंग लिफ्ट की लीवर खींचकर उठाए जाते थे, लेकिन नए ब्रिज पर लिफ्टिंग पोर्शन को ऑटोमेटिकली लिफ्ट किया जा सकेगा। तो अब बात करते हैं दोनों ब्रिज के डिफरेंसेस और सम जनरल फैक्ट्स के बारे में। बात करें अगर पुराने ब्रिज की, तो वो ब्रिज सबसे पहले मीटर गेज ट्रैक सपोर्ट करता था, फिर साल 2007 के 14 अगस्त से इसको ब्रॉडगेज किया गया। वही अगर बात करें नए ब्रिज की, तो वो शुरुआत से ही ब्रॉडगेज बनेगा। और अब जब बात हो रही है पंबन ब्रिज की, तो कहीं ना कहीं दिसंबर 1964 की वो रात याद आ ही जाती है जब एक चक्रवर्ती तूफान ने पंबन ब्रिज को तहस नहस कर दिया था और अपने साथ पंबन रामेश्वरम पैसेंजर को बाहर ले गया था। उस साइक्लोन की वजह से रामेश्वरम धनुषकोटी रेल लाइन भी बर्बाद हो गई थी। बता दूं कि धनुषकोटी प्राचीन राम सेतु का ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो इसके बाद पंबन ब्रिज को दोबारा बनाया गया था। कहा जा रहा है कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और ये जानते हुए कि पंबन ब्रिज एक साइक्लोन प्रोन जोन है, नया पंबन ब्रिज को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली विंड्स को में सक्षम होने के हिसाब से बनाया जाएगा और जो लिफ्टिंग सेक्शन है उसे 22 मीटर अबव मेन सी लेवल तक उठाया जाएगा। ब्रिटिश एयर वाले ब्रिज पर मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि नए ब्रिज पर भी यही स्पीड होने की संभावना है। यह नया पंबन ब्रिज भारतीय रेल और पूरे इंडिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है। आशा है कि इसको बनाने में कोई मेजर डिले ना आए और ये ब्रिज जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए और भारत की शान बढ़ाए। इस ब्रिज की अपडेट समय समय पर मैं आपको देता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक।